पिछले दिनों 60,244 पदों पर परीक्षा हुई थी, लेकिन गड़बड़ी के चलते परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अब लिखित परीक्षा को दोबारा से कराने के लिए नई तारीख 23, 24, 25 और 30 और साथ ही 31 अगस्त तय की गई है। और जरा जानकारी के साथ में ऋषभ मणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं लाइव। ऋषभ मणि, शेड्यूल जारी कर दिया गया है 23, 24, 25 और साथ ही 31 अगस्त को परीक्षा होगी, लेकिन अब सवाल ये कि क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं ताकि पहले जिस तरह से हमने देखा कि सवालों के घेरे में परीक्षा रही, उस तरह से अब दोबारा सवाल ना उठे? देखिए, जो सबसे बड़ी इसमें बात है वो ये है कि 1 जुलाई 2024 से ही उत्तर प्रदेश में पेपर लीक कराने, नकल कराने या इस तरह के षड्यंत्र में जो भी शामिल हो उनके खिलाफ एक सख्त कानून बना दिया गया। उसकी अधिसूचित हो चुका है ये कानून, और इस कानून के तहत जो भी पेपर में नकल करेगा, पेपर लीक कराएगा या उसकी साजिश में भी शामिल होगा तो उसको उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है इस सख्त कानून में। 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाए जाने का भी प्रावधान इस कानून में है। तो ये मान के चलिए जो सबसे पहली और अहम बात है कि अब सिपाही भर्ती परीक्षा एक बहुत ही सख्त कड़े कानून के निगरानी में, उसकी देखरेख में आयोजित की जाएगी। जब पिछली बार यह परीक्षा हुई थी तो इसका पेपर लीक हुआ था, जिसमें एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की थी, सारे जिला पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की थी, करीब 300 से ज्यादा लोग उसमें गिरफ्तार हुए जो उसके मास्टरमाइंड थे, चाहे वो राजीव नयन हो, रवि अत्री हो, विक्रम पहल हो, ये सभी लोग इस वक्त जेल में हैं। अब चूंकि सरकार ने चुनाव में भी झेला है, कहीं ना कहीं जब युवाओं को नौकरी देने की बात हो रही थी उसको सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया, पेपर लीक को लेकर बड़े बड़े बयान दिए गए, यहां तक कि ऐसा कोई सदन नहीं बचा था जहां पर ये सवाल नहीं उठाए गए थे। तो सरकार ने इस बार पूरी तैयारी की है, 1 जुलाई से सख्त कानून लागू कर दिया है, उस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी अगर कोई गड़बड़ी करता है या कोशिश भी करता है, साजिश भी रचता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं तारीखों की। 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को ये दो पालियों में आयोजित की जाएगी। एक पाली में करीब 5 लाख अभ्यर्थी होंगे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, तो जो हम लोग मान के चल रहे थे लाखों में तादाद होगी, और एक पूरा सिस्टम है जो इस पूरे परीक्षा को मैनेज करेगा। एक खुशखबरी है अभ्यर्थियों के लिए कि अगर वो रोडवेज बस से ट्रैवल करते हैं तो वो आने जाने के लिए जब भी अपने एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी कंडक्टर के सामने पेश करेंगे वो उसको रख लेगा और उनका आना जाना इस परीक्षा के दौरान फ्री होगा। तो ये अभ्यर्थियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी, क्योंकि जब पेपर लीक हुआ था, निरस्त किया गया था, तब भी ये बात बार बार उठ रही थी कि अभ्यर्थियों का इसमें काफ़ी पैसा इन्वॉल्व हुआ है, मेहनत इन्वॉल्व हुई है, तो उसको भी कहीं ना कहीं कंपनसेट करने की कोशिश की गई है कि जब अभ्यर्थी ये परीक्षा देने आएंगे, वापस जाएंगे देके, तो उस दौरान रोडवेज की बसों से अगर वो ट्रैवल करते हैं तो वो निःशुल्क होगी। ये बात अभी से जाहिर कर दी गई है कि जितने भी परीक्षा केंद्र होंगे वो सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होंगे। जिला पुलिस, जिला प्रशासन के अलावा एटीएस को भी लगाया गया है कि वो भी लगातार निगरानी रखेगी। जो पूर्व से ही चिन्हित पेपर लीक कराने के गिरोह हैं, बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं जो ठेका लेते हैं इस तरह की परीक्षा पास करवाने का, उन सब पर निगरानी।